नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर। तो दोस्तों, भारत समेत दुनिया के 6 देश प्रशांत महासागर में पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। सी ड्रैगन 22 नाम के इस युद्धाभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाएं हिस्सा ले रही है। बताया जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास का प्रमुख उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी नौसेना की बढ़ती पनडुब्बियों का पता लगाना और आवश्यक सूचनाएं इकट्ठा करना है। इस युद्धाभ्यास में क्वाड देशों के सदस्य भी शामिल हैं, जिनकी चीन के साथ सीधा विवाद है। क्वाड के चारों देश मालवार युद्धाभ्यास में भी लेते हैं। सी ड्रैगन युद्धाभ्यास में अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के P-8I पोसाइडन विमान और पनडुब्बी हिस्सा ले रही है। भारत की तरफ से भी P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट को भी भेजा गया है। ये लंबी दूरी तक समुद्र में गश्त लगाने की सक्षम होती है। यदि आप सब मेरे तरह स्टूडेंट हैं और ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में पूछा जाता है, तो आप ये नोट कर लीजिए कि साल 2022 का पहला युद्धाभ्यास का नाम सी ड्रैगन 22 है। इस एक्सरसाइज में कुल 6 देश हिस्सा लिए हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया, और ये समुद्री मिलिट्री एक्सरसाइज है। वहीं इस युद्धाभ्यास के दौरान 270 घंटे से अधिक इन फ्लाइट ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी देश के विमान और युद्धपोत अमेरिकी नौसेना की एक लाइव पनडुब्बी का पता लगाने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक घटना को ग्रेड दिया जाएगा और उच्चतम कुल अंक प्राप्त करने वाले देश को प्रतिष्ठित ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार दिया जाता है। पिछले साल यह पुरस्कार रॉयल कैनेडियन वायुसेना को दिया गया था। आपको बता दें कि बोइंग 8 पोसाइडन को पनडुब्बियों का काल माना जाता है। ये एयरक्राफ्ट एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर को अंजाम देने में सक्षम है। लंबी दूरी तक समुद्र में पेट्रोलिंग करने के कारण अमेरिका इसे पूरी दुनिया में तैनात कर रखा है। इसकी ऑपरेटिंग रेंज 1200 नॉटिकल माइल है। इस एयरक्राफ्ट की अधिकतम रफ्तार 907 किलोमीटर प्रति घंटा है। रडार से लैस ये एयरक्राफ्ट खुफिया और किसी भी तरह के जोखिम से निपटने के लिए सक्षम है। इसमें खतरनाक हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइलें, MK-54 कम वजन वाले विध्वंस मौजूद हैं। बोइंग P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट रॉकेट और बारूद से भी लैस होते हैं। यह किसी भी गंभीर स्थिति को भांपकर दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर हमला कर सकता है। इसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कंपनी बोइंग ने तैयार की है। अमेरिका ने अगली पीढ़ी के समुद्री निगरानी विमान बनाने की योजना के तहत जून 2004 में बोइंग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। मार्च 2005 में पहला पोसाइडन 8A एयरक्राफ्ट डिजाइन किया गया था। इसके बाद करीब 117 पोसाइडन 8A एयरक्राफ्ट को अमेरिकी नेवी ने अपने बेड़े में शामिल किया था। फरवरी 2014 में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पोसाइडन 8A की खरीदी की। इस सौदे में $4 बिलियन के 4 एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्टर दिया गया था। खैर, आपको क्या लगता है, क्या इस युद्धाभ्यास से चीन की दादागिरी में कुछ कमी आएगी कि नहीं? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस तरह खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड और डिफेंस के तमाम खबरों से। जय हिंद, जय भारत।